रूल्स बहुत ही आसान है। तुम्हें सामने उस पिंजरे के अंदर जाना है। अगर व्हाइट स्टील ईल से खुद को बचाकर वो बॉल फोड़ देते हो तो तुम पास हो जाओगे। ये इर्रेगुलर है। क्या कहा? एक इर्रेगुलर? एक आउटसाइडर जो टावर के दरवाजे खुद खोलकर अंदर घुस आया। जरा देखो इसे, ये कितना छोटा और कमजोर दिखाई देता है। जरा सा और नजदीक से देखूं। ये लड़का थोड़ा हैंडसम तो है। क्या आप इस हैंडसम लड़के के लिए टेस्ट का लेवल थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं डॉन? इस टावर का केयरटेकर होने के नाते ये पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है कि ये टावर के लायक है या नहीं। हाँ, पर मैं ये कर लूंगा। राजकुमारी यूरी, अगर आप सच में चाहती हैं कि ये टावर में आगे चढ़े तो आप इसे अपनी ब्लैक मार्क भी तो दे सकती हैं। वैसे तो रखने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन जहाद की वो शानदार तलवार ताकत की मिसाल है जो किसी को भी काट सकती है। तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तलवार दे रही हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? पर मैं इसे कैसे? क्यों, क्या हुआ? तुम टावर में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्या? क्या आपको इस लड़के से पहली नजर में प्यार हो गया है? बकवास नहीं, मेरी बात सुनो। ब्लैक मार्ट से तुरंत ये कहो कि अपनी ताकत तुम्हें दे दे। एवन, तुम पागलों जैसी बात मत करो। वो तलवार ऐसे ही जैसा किसी की भी बोला बात... वैसा करो। अपनी ताकत दे दो। ये कैसे हुआ? तो वो तुम हो। टावर में आगे चढ़ने के लिए तुम्हें मुझसे ताकत चाहिए? नहीं। मुझे टावर से मतलब नहीं है। आप प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दीजिए ताकि मैं रेचल से दोबारा मिल सकूं। बड़े ही बोरिंग लड़के हो। खैर, इस क्यूट फेस के सामने मैं पिघल गई और इसलिए मैं अपनी ताकत तुम्हें देती हूँ। ये कैसे? वो अब अगले फ्लोर पर चला गया है। अब हम क्या करेंगे? वो ब्लैक मार्च को अपने साथ लेकर गया है। तो उससे हमारी तलवार वापस लेनी होगी। क्या? हम उसके पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। हम उस रास्ते से नहीं जा सकते जिस रास्ते से वो टावर पर चढ़ने गया है। बस बंद। वो जीना भी क्या जीना हुआ जिसमें कोई रोमांच ना हो।